इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो सेकंड T20 मैच होगा, इसका हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप हर एक फैंटेसी मैच का काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर सकते। देखिए, इंडिया अपना जो पहला मैच है वो हार के आ रही है, और अगर ये मैच अगर इंडिया हार गई तो ये जो सीरीज़ है और भी यहाँ पर इंडिया अपने हाथ से गवा देगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए मैच। और देखो, इस मैच में हम एक स्मॉल लीग की टीम देखेंगे, उसके साथ साथ कुछ ग्रैंड लीग के जो कॉम्बिनेशन है वो भी देखने वाले हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। अगर आप इस मैच में कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो, तो आप यहाँ पर एक तरीके से बहुत कुछ मिस कर दोगे, और गलतियाँ आमतौर पर तभी होती है जब हम पूरा यहाँ पर वीडियो नहीं देखते। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना है आपको। तो हम पहले तो देख लेंगे वेन्यू, ये मैच होगा कहाँ पे। तो देखो, ये जो मैच होगा ये होगा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम पे। तो यहाँ का जो पिच रिपोर्ट होता है, आमतौर पे बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है पिच। अगर आप रेशो भी देखोगे ना, तो आपको बॉलर्स यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। आमतौर पर हमने जो भी मैचेस देखी है फिलहाल में, वो सारी बैटिंग फ्रेंडली है, तो ये थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा। वैसे अगर आप बैटिंग फर्स्ट में रेशो देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत इक्वली दिखाई देगा, लेकिन चेजिंग में बॉलर्स डोमिनेट करते हैं। वैसे फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है T20 में, वो आपको 130 का यहाँ पर दिखाई देगा, और हर इनिंग में यहाँ पर लगभग 6 विकेट के आसपास गिर जाती है। अगर आप पेसर स्पिनर्स का रेशियो देखोगे तो स्पिनर्स यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप हालचाल समझना पिच का, यहाँ पे बॉलर्स इंपॉर्टेंट है, उसमें भी स्पिनर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे जो टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करती है वो 66% मैचेस जीती हुई है, चेजिंग टीम यहाँ पर 33% मैचेस जीती हुई है। हम रिसेंट कुछ मैचेस देख लेते जो इस वेन्यू पे खेली गई है। तो देखो, यहाँ पे जो मैचेस हुई है ये सारी वुमेंस की मैचेस है, वो भी डोमेस्टिक, ठीक है। तो वुमेंस की मैचेस आमतौर पे ऐसी होती है, स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट होता है, बॉलर्स ज़्यादा डोमिनेट कर लेते हैं, और लो स्कोर यहाँ पे बनता है। लेकिन जो मेंस की मैचेस होती है, और ख़ास करके जो इंटरनेशनल मैचेस होती है, उस पर जो पिच बनती है वो यहाँ पे फ्रेश पिच बनती है, और हम सब जानते हैं फ्रेश पिच पे बैट्समैन जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, और अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे आमतौर पे बन जाता है। तो देखो, मेंस क्रिकेट का मैच है, आपको ये जो 130 दिखाई दे रहा है, वो ये 130 कब 180 के आसपास चला जाए ये हम कह नहीं सकते, और एक्सपेक्ट भी हम वही करेंगे कि स्कोर यहाँ पे 180 से 200 के बीच में बनेगा, अगर फ्रेश पिच निकली और बैटिंग फ्रेंडली पिच बनी तो। और यहाँ पे स्पिनर्स को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है। वैसे जो डोमेस्टिक मैचेज है आप देख सकते हो, इसमें जो WZ वुमेंस की टीम थी उन्होंने 67 पे ऑल आउट हो गई थी, और CZ वुमेंस की टीम थी उन्होंने आसानी से चेस डाउन कर लिया था। आप देख सकते हो इस मैच में बॉलर्स इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जो टीम थी वो एक ऑल आउट हो गई थी। उसके पहले यहाँ पर WZ वुमेंस की टीम ने 125 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पे, NW वुमेंस की जो टीम थी उन्होंने यहाँ पर उसे चेस डाउन नहीं कर पाई थी, 50 पे ही ऑल आउट हो गई थी। तो देखो, ये दोनों मैचेस कुछ खास आपको कहेंगी नहीं, और ये देखना आप, ये जो लीजेंड्स लीग का एक मैच था उसमें भी क्या हुआ था, 198 रन बनाए थे इंडिया की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पे, जिसे BLK की टीम चेस डाउन नहीं कर पाई थी और यहाँ पर ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। तो इस मैच में अच्छा खासा स्कोर बनाया था, ठीक है, 198 का, तो अच्छा खासा स्कोर बन सकता है अगर टीम स्ट्रांग निकली तो, ठीक है। और अब हम यहाँ पर चलते हैं सीधा बैटिंग ऑर्डर की तरफ। देखो, इंडिया की तरफ से बैटिंग ऑर्डर में शुभमन गिल ओपन करेंगे, ईशान किशन के साथ वन डाउन आएंगे राहुल त्रिपाठी। मिडल ऑर्डर अगर आप देखोगे तो इसमें सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर और दीपक हुड्डा, ये आपको मिडल ऑर्डर दिखाई देगा। बॉलिंग ऑप्शंस देखोगे तो देखो, इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक हुड्डा, शिवम मावी, कुलदीप यादव, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह, इतने बॉलिंग ऑप्शंस है। लगभग कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बॉलिंग ऑप्शंस है। और इसमें अगर आप मेन 5 बॉलर देखोगे तो आई थिंक यहाँ पर अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या, ये मेन बॉलिंग ऑप्शन से। बाकी शिवम मावी भी अच्छे खासे ओवर्स करा के जाएंगे, वैसे इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस रहेंगे। वैसे हार्दिक पांड्या के भी ओवर्स कट सकते हैं, वो अपने आप के ओवर्स कम कर सकते हैं एज ए कैप्टन। न्यूजीलैंड की तरफ से अगर आप देखोगे बैटिंग ऑर्डर, तो देखो फिन एलन ओपन करेंगे डेवन कॉनवे के साथ, वन डाउन आएंगे मार्क चैपमैन। अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे तो ग्लेन फिलिप्स, डैरियल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर, इनकी तरफ से मिडल ऑर्डर होगा। बॉलिंग ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो इसमें देखो, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर, ईश सोडी, लॉकी फर्ग्यूसन, जेकब डफी और ब्लेयर टेकनर, इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस रहेंगे। देखो, इनकी तरफ से अगर आप मेन बॉलर देखोगे तो ब्लेयर टेकनर रहेंगे, जेकब डफी रहेंगे, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल सैंटनर,
और माइकल ब्रेसवेल और ईश सोडी, तो ये छः के छः बॉलर्स हैं इसमें। जिसका भी परफॉर्मेंस ख़राब होगा उसके ओवर्स कट जाएंगे, फिर जो दूसरा बॉलर होगा वो यहाँ पे अच्छे खासे ओवर्स करा के जाएगा। हम डेथ बॉलिंग देख लेते हैं दोनों टीम्स की तरफ से। देखो अगर आप इंडिया की टीम से डेथ बॉलर्स देखोगे तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक यहाँ पर डेथ में बॉलिंग करेंगे, हार्दिक पांड्या भी आ जाते हैं डेथ में बॉलिंग करने के लिए। न्यूजीलैंड की तरफ से अगर आप डेथ बॉलिंग देखोगे तो यहाँ पर लॉकी फर्ग्यूसन और जेकब डफी ये डेथ में बॉलिंग कराते हैं, और ईश सोडी भी करते हैं लेकिन कभी कभार, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीधा चलते हैं अपनी प्लेयर वाइज एनालिसिस की तरफ। तो देखो हम पावर रैंकिंग फीचर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे प्लेयर्स को रैंक किया जाता है उनके रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे। तो जितनी यहाँ पर प्लेयर की रैंक अच्छी होती है उतना ही वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास समय कम है और अगर आप इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लेना चाहते हो रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे, तो पावर रैंकिंग के जो टॉप प्लेयर्स है वो आप अपने टीम में सीधे सीधे ले सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर काफ़ी डिटेल में जाने वाले हैं। देखो सूर्य कुमार यादव, अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो लास्ट 10 मैचेस में से ये 9 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट में इनका 90 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, चेजिंग में आपको ये 59 का दिखाई देगा। पिछले मैच में भी इन्होंने 83 फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे। और T20 में कितनी इंपॉर्टेंट प्लेयर हम सबको मालूम है, कैप्टनसी के लिए भी एक बेहतरीन पिक आपके लिए होंगे। हम इन्हें अपने टीम में लॉक कर लेते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो देखो न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे अच्छा किया है। उसके अलावा T20 में यहाँ पे अच्छा किया है, बाकी सारे मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रहा है या फिर एवरेज रहा है। ऑन दिस वेन्यू कोई मैच खेला नहीं है। अगर आप इनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखना चाहते हो T20 में, तो देखो 54 का एवरेज चल रहा है इनका 2023 में, 165 का स्ट्राइक रेट है जो कि काफ़ी अच्छा है। 54 का एवरेज देखो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी भी आप दे सकते हो। अरिजीत सिंह के रिकॉर्ड को देखते हैं हम यहाँ पर, देखो ये 10 में से 6 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट में इनका 52 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज, चेजिंग में आपको 52 का ही दिखाई देगा। वैसे रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इनकी कम हुई है, वैसे पहले काफ़ी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रखा है। T20 में आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट ही होते हैं, इन्हें लॉक कर लेते। न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम। देखो न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है, अगर एक मैच आप छोड़ दो तो बाकी सारे मैचेस में इन्होंने लगभग स्ट्रगल ही किया है। वैसे हम ऑन दिस वेन्यू देख लेते, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है अर्शदीप सिंह का, आपके लिए 50-50 होंगे, हमने फिर भी लॉक किया हुआ है। उमरान मलिक 10 में से 4 बार ड्रीम टीम में रह चुके, चेजिंग में इनका एवरेज जो अच्छा है, वैसे रिसेंट फॉर्म देखोगे आप तो 68, 96, 56, तो ये देखो 5 में से 4 मैचेस इन्होंने अच्छा किया है, एक मैच फ्लॉप गए थे पिछला मैच। काफ़ी सारे लोग इनको ड्रॉप करेंगे लेकिन एक अच्छे पिक होंगे रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे आपके टीम में। वैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे तो देखो यहाँ पर 29, 29 और 54, ये 3 मैचेस इनकी अच्छी गई है, 2 मैचेस पूरी फ्लॉप गई है। तो एक एवरेज पिक आपके लिए होंगे उमरान मलिक। ठीक है, ग्लेन फिलिप्स का देख लेते हैं। देखो 10 में से 5 बार ड्रीम टीम में रह चुके, बैटिंग फर्स्ट में इनका 51 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज, चेजिंग में आपको 54 का दिखाई देगा। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं है, यहाँ पे अच्छा किया है इन्होंने, बाकी कुछ मैचेस गई इनकी अच्छी, पोटेंशियल रखते अच्छा परफॉर्म करने का। तो रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे आप इन्हें अपने टीम में ज़रूर ले सकते हो, ठीक है। बाकी ये हमारे टीम में रहेंगे। लॉकी फर्ग्यूसन देखो 10 में से 6 बार ये ड्रीम टीम में रह चुके, बैटिंग फर्स्ट में इनका 40 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, चेजिंग में आपको 54 का दिखाई देगा। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो 66, 67, 78 जो कि काफ़ी अच्छा है। तो लॉकी फर्ग्यूसन को ले लेते हम अपने टीम में, उससे पहले स्ट्रगल कर रहे थे। और हम इस जोड़ी का देख लेते, देखो इस जोड़ी 10 में से 7 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं, बैटिंग फर्स्ट में इनका 36 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, चेजिंग में 34 का ये दिखाई देगा। रिसेंट फॉर्म देखोगे आप तो देखो 27, 39, 30, तो काफ़ी एवरेज इनका परफॉर्मेंस रहता है वैसे, तो ले सकते हो इस जोड़ी को आप, एक आध विकेट आपको निकाल के दे सकते। दीपक हुड्डा देखो ये यहाँ पर 10 में से सिर्फ 2 बार ड्रीम टीम में रह चुके, ग्रैंड लीग में एक बढ़िया पिक होंगे, कंसिस्टेंसी की कमी है। हार्दिक पांड्या ये मस्ट पिक आपके लिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करके देंगे। बैटिंग फर्स्ट में इनका 59 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज, चेजिंग में आपको 31 का दिखाई देगा। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो 66, 59, 47, इनका यहाँ पर रिसेंट फॉर्म रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। हमने इन्हें अपने टीम में लॉक कर लिया। डेवन कॉनवे देखो कंसिस्टेंट बैट्समैन है, 10 में से 6 बार ये ड्रीम टीम में रह चुके, बैटिंग फर्स्ट में इनका 54 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज, चेजिंग में छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है इनका, ठीक है, तो एज ए बैट्समैन आपकी टीम में होनी चाहिए। शिवम मावी 10 में से 5 बार ड्रीम टीम में रह चुके, चेजिंग में इनका 52 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, पोटेंशियल भी रखते हैं गुच्छे में विकेट्स निकालने का। चाहे तो शिवम मावी को ले सकते हो लेकिन ग्राइंडिंग में थोड़े से अच्छे ऑप्शन लग रहे हैं मुझे। डैरिल मिचेल ये देखो
10 में से सिर्फ 4 बार ड्रीम टीम में रह चुके। चेजिंग में बिल्कुल मत लेना, बैटिंग फर्स्ट में ले सकते हो। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो पिछला मैच अच्छा गया था, उससे पहले 2 मैचेस फ्लॉप, उससे पहले 1 मैच अच्छा गया था। ये देखो इन्होंने लगभग 5 में से 3 मैचेस परफॉर्मेंस दिया है, तो ले सकते हो आप। स्मॉलिंग में भी एक बढ़िया पिक होंगे, बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ईशान किशन स्ट्रगल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्राइंडिंग में ट्राई करना ही नहीं। मिचेल सेंटनर देखो वो एक बढ़िया पिक, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करके देंगे। बैटिंग आ जाती तो थोड़ा बहुत हिटिंग भी कर लेते। चेजिंग में इनका 62 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, बैटिंग फर्स्ट में आपको 47 का दिखाई देगा। 92, 53, 128 इस तरीके का इनका लास्ट मैचेज में परफॉर्मेंस रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यजुर्वेंद्र चहल ज़्यादा चांसेस से नहीं खेलेंगे। फिन एलन हिट और मिस टाइप बल्लेबाज है, थोड़ा भी यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं रहा तो ये स्ट्रगल करेंगे। तो हम यहाँ पर जो फाइनल पिच रिपोर्ट है इसके बेसिस पे इनको यहाँ पर लेना है नहीं लेना है तय करेंगे। वैसे अगर लगता है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपकी टीम में होनी चाहिए। रिसेंट फॉर्म काफ़ी इनका बढ़िया चल रहा है, तो उस बेसिस पे हम इन्हें अपने टीम में लॉक तो कर ही लेंगे। राहुल त्रिपाठी देखो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी की कमी है, लेकिन जिस भी मैच में चलेंगे उस मैच में आपको बढ़िया ही करके देंगे। ठीक है, आईपीएल भी खेले हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट चेजिंग दोनों रिकॉर्ड आपको अच्छे दिखाई देंगे, तो चाहे तो ले सकते हो। शुभमन गिल देखो बैटिंग फर्स्ट में 66, चेजिंग में 47, और अगर आप ओवरऑल फॉर्म देखोगे इनका तो काफ़ी आपको अच्छा दिखाई देगा। 70, 63, 181, तो अगर टिक गए तो बड़ा ही करके जाते, तो शुभमन गिल हमारे टीम में रहेंगे। हाँ, वाशिंगटन सुंदर का देखते हैं। देखो वाशिंगटन सुंदर यहाँ पर 10 में से 4 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं और अच्छे ऑलराउंडर है। अगर आप देखोगे चेजिंग में इनका 50 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, लास्ट मैच में इन्होंने 141 फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे, उससे पहले 69। कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी है, ज़्यादातर लोग इन्हें लेके जाएंगे अपनी टीम में। आप चाहे तो इन्हें छोड़ भी सकते हो रिस्क लेके। मुकेश कुमार ज़्यादा खेलने के चांसेस कम है, पृथ्वी शॉ नहीं खेलेंगे, हेनरी शिपले खेलने के चांसेस कम, माइकल रिपॉन। देखो इनका रिकॉर्ड हम देख लेते, बैटिंग फर्स्ट में इनका 65 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, वैसे खेलते तो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, और जेकब डफी 10 में से 4 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं। इनका यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में 42 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है और 37, 70 ये इनका यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है। नेक्स्ट मैच में चलते हैं, माइकल ब्रेसवेल देखो 10 में से 7 बार ये ड्रीम टीम में रह चुके। बैटिंग फर्स्ट में 49, चेजिंग में आपको ये 67 का दिखाई देगा इनका फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज। 71, 61, 70, 68, 68 इस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है माइकल ब्रेसवेल का। मस्ट अ पिक आपके टीम में होनी चाहिए। ब्लेयर टिकनर देखो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे, कंसिस्टेंसी की कमी है, ग्राइंडिंग में ट्राई कर लेना। डिन क्लिवर ज़्यादा चांसेस नहीं करेंगे, बेन लिस्टर के भी खेलने के चांसेस कम है। मार्क चैपमैन यहाँ पर देख सकते हो आप इनका रिकॉर्ड, ग्राइंडिंग में बढ़िया पिक, कुछ खास नहीं है रिकॉर्ड। जितेश शर्मा ग्राइंड खेलेंगे नहीं। कुलदीप यादव का देख लेते, देखो कुलदीप यादव भी कुछ खास कंसिस्टेंसी रखते नहीं है T20I में। यहाँ पे 3 मैचेस अच्छी गई, उससे पहले 2 मैचेस फ्लॉप गई, यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो एक एवरेज पिक आपके लिए, खास करके बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो कुलदीप यादव को चाहे तो लॉक कर सकते हो। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पर लॉक किए उनका पूरा डेटा देख के, तो इसमें देखो सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप सिंह, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, लॉकी फर्ग्यूसन, हार्दिक पंड्या, डेवन कॉनवे, इन प्लेयर्स को हमने लॉक किया है। अगर आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो मिचेल सैंटनर, फिन एलन, उसके बाद यहाँ पर शुभमन गिल, इनको हमने लॉक किया है। नीचे अगर आप चलोगे तो माइकल ब्रेसवेल, तो फिर से देख लेते, माइकल ब्रेसवेल को लॉक किया है, शुभमन गिल को, उसके बाद फिन एलन, उसके बाद सेंटनर, अगर आप थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो डेवन कॉनवे को लॉक किया है, उसके बाद रॉकी फर्ग्यूसन, ग्लेन फिलिप्स, उमरान मलिक, अर्शदीप ने उमरान मलिक को लॉक नहीं किया है, अर्शदीप सिंह और सूर्य कुमार यादव, इन प्लेयर्स को हमने यहाँ पर लॉक किया हुआ है। तो चलते हम सीधे सीधे अपनी जो स्मॉल लीग की टीम है उसकी तरफ। तो देखो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, ईशान किशन और डेवन कॉनवे, तो आपको जाना है डेवन कॉनवे के साथ। ईशान किशन की कंसिस्टेंसी इतनी आपको बढ़िया नहीं दिखाई देगी। हम यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। बैटिंग सेक्शन में देखो शुभमन गिल आपके टीम में होने चाहिए, सूर्य कुमार यादव को छोड़ना नहीं है। नीचे चलोगे आप तो देखो ग्लेन फिलिप्स का फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। फिन एलन का रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, तो ये हमारी टीम में रहेंगे। ग्लेन फिलिप्स को आप ले सकते हो। डैरिल मिचेल भी एक बढ़िया पिक होंगे, क्योंकि लास्ट 5 मैचेस में से 3 मैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। वैसे माइकल ब्रेसवेल हमारे टीम में रहेंगे, मिचेल सेंटनर को ले लेते हैं टीम में, हार्दिक पांड्या भी हमारे टीम में रहेंगे। देखो वाशिंगटन सुंदर ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उस बेसिस पे आप अपने टीम में इन्हें ले सकते हो। और बॉलिंग सेक्शन में अगर हम देखें तो देखो बॉलिंग सेक्शन में इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह हमारे टीम में रहेंगे। उमरान मलिक को चाहे तो ले सकते हो, उसकी जगह पर हम जेकब डफी को ट्राई करेंगे अपनी टीम में। ठीक है, और लॉकी फर्ग्यूसन का रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, तो इन्हें भी हम अपनी टीम में ले लेंगे, तो टीम को सेव कर लेते हैं। देखो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अगर आप देखोगे
तो कैप्टनसी के लिए सबसे जो बढ़िया पिक होंगे वो होंगे आपके लिए हार्दिक पांड्या, स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन। वाइस कैप्टनसी जा रहे हैं हम सूर्य कुमार यादव के साथ, टीम को हम सेव कर लेते। देखो उधर अगर आप देखोगे कैप्टन वाइस कैप्टन, तो इसमें यहाँ पर डेवन कॉनवे अच्छा ऑप्शन लग रहे हैं, उसके अलावा माइकल ब्रेसवेल के साथ भी आप जा सकते हो। लेकिन देखना यहाँ पर इंडिया थोड़ी सी अनुभव से कम है, क्योंकि यहाँ पे ना विराट कोहली ना रोहित शर्मा है, ठीक है, तो थोड़ी सी नई टीम है। उसके कंपेयर में अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी मजबूत आपको दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर आप न्यूजीलैंड की टीम्स के साथ भी कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हो। बाकी नीचे आपको यहाँ पर ड्रीम इलेवन सिमुलेटर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो देखो ये ऑप्शन होता क्या है, यहाँ पे अगर आप ड्रीम इलेवन सिमुलेटर में अपनी टीम अगर ज्वाइन कर लेते हो, तो जो ग्रैंड लीग की जो 1 करोड़ वाली लीग होती है इसमें आपको एंट्री मिल जाती है जो ड्रीम इलेवन की होती है, और आपको यहाँ पर रैंक भी पता चल जाती है विदाउट एंट्री फी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक ट्रायल बेसिस पे आप इस लीग का यूज़ कर सकते हो, ड्रीम इलेवन सिमुलेटर कंटेस्ट का, ठीक है। बाकी देखो हमने जो पूरा प्रीव्यू है वो देख लिया, अब हम यहाँ पर सीधे सीधे ग्रैंड लीग की कुछ टीम्स क्रिएट कर लेते। तो कस्टम टीम बिल्डर के ऊपर आपको आना है ग्रैंड लीग की टीम्स तैयार करने के लिए। तो देखो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे परफेक्ट लाइनअप प्रेडिक्शन की बेसिस पे आप टीम बना सकते हो, रिसेंट परफॉर्मेंसेस, कंसिस्टेंसी, प्लेयर्स की जो ड्रीम टीम में रहने की है उसके ऊपर आप टीम बना सकते हो। आपको सिर्फ नंबर ऑफ टीम सेलेक्ट कर लेना है, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को आप अपने टीम में लॉक कर सकते हो, जो प्लेयर्स आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे आप उन्हें अपने टीम से हटा सकते हो। नीचे आपको जनरेट टीम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको आप सीधा क्लिक कर लो, आपके सामने जो टीम्स है वो बन के आ जाएंगी। तो ये देखिए कुछ टीम्स आपके सामने ग्रैंड लीग के, ठीक है, आप इनके साथ भी जा सकते हो। ओके तो परफेक्ट लाइनअप पे आइए, अपने हिसाब से प्लेयर्स को लॉक कीजिए, और आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स बना सकते हो। और इस मैच की जो फाइनल अपडेट्स है आपको यहीं पर मिलेंगी। परफेक्ट लाइनअप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके परफेक्ट लाइनअप को इंस्टॉल कर लीजिए। और बाकी चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।